दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ डीयू एडमिशंस की अपडेट। अभी भी मौका है दाखिला का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर आप चौंक जाएंगे कि यूजी पीजी में तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको यूजी पीजी का भी ऑप्शंस अभी भी है बाकी। और डीयू में एसओएल का भी अपडेट लेके आया हूं, तो डीयू यूजी पीजी एसओएल और एनसीडब्ल्यूईबी सबका डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। छोटी वीडियो है, अभी हाल फिलहाल में पब्लिक नोटिस आई है एडमिशन ब्रांच से 8 अगस्त 2022 को और आज है 9 अगस्त, तो एडमिशन के बारे में आई है नोटिस। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि यूजी का तो सब चीज़ सही है लेकिन पीजी का कब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इसके बारे में बताइए, तो पीजी के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं डीयू के एडमिशन के अपडेट। सबसे पहले डीयू का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां दो लिंक है, एक सीयूटी समर्थ का है जो यूजी के लिए है और pgadmission.uod.ac.in ये पीजी के लिए है। इसके बाद आपको यहां पे मिल जाएगा एनसीडब्ल्यूईबी एडमिशन यानी जो वीमेंस का एडमिशन है उसके लिए, तो 10 अगस्त तक आपका अभी मौका है, आज 9 है, कल तक आप एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो NCWEB का कुछ ऐसा दिखता है, नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, यहां पे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे 10 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी लड़कियां हैं जो कि दिल्ली और NCR की रहने वाली है उन्हीं का इसमें एडमिशन होगा, किसमें, नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड में। तो 10 तारीख तक मौका है तो 10 अगस्त तक आप अप्लाई कर लीजिएगा। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बहुत सारे कोर्सेज इस साल न्यू अप्रूव हो रहे हैं, MBA कोर्स भी इस साल से शुरू होगा, इसके लिए सेपरेट नोटिस आएगी, तो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी एडमिशन ले पाएंगे और इस साल से कोर्सेज का नए कोर्सेज का आगाज होगा, शुरुआत होगा। तो ये सारे अच्छी खबर है कि 20,000 के आसपास MBA स्टूडेंट्स एडमिशन ले पाएंगे इस साल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का। अभी अप्रूवल के लिए भेजा गया है, जैसे अप्रूवल आता है उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन भी आएगा। और अभी बात करते हैं यूजी का और पीजी का, तो अभी हाल फिलहाल में एक पब्लिक नोटिस आई है, इस नोटिस में पीजी से रिलेटेड बात की गई है कि बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप पे मिल गया था कि आपको डेट टेस्ट DUET पीजी का एंट्रेंस टेस्ट का डेट्स, लेकिन वो फेक है जो कि कल इसका खुलासा हुआ है। बाकी हालांकि जो CUET के एग्जाम है पीजी का वो 1 से लेके 11 सितंबर तक हो रहा है, तो 15 सितंबर के बाद DUET पीजी का एडमिशन का टेस्ट हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि DU जो पीजी के लिए बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनका अपडेट यही है कि पीजी का टेस्ट होना शुरू हो गया है, अभी CUET पीजी का शुरू हुआ फिर DUET पीजी का उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, दोनों को एग्जाम ले पाएगी। तो बी अवेयर ऑफ द फेक ईमेल्स एंड नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन, आप बिल्कुल जो ऑफिशियल वेबसाइट है DU का इसी पे भरोसा करना है, चाहे फेसबुक पेज हो या ट्विटर पेज हो या एडमिशंस का पोर्टल हो या ऑफिशियल वेबसाइट हो, ये 4 ऑफिशियल लिंक दे रखे हैं, इसी पे ही अपडेट आएगा, बाकी जितने भी अपडेट्स आएंगे अदर वेबसाइट पे वो रॉन्ग होंगे, गलत होंगे, फेक होंगे। तो आप ऑफिशियल जैसे SOL का एडमिशन होगा तो इस पे आएगा, नॉन कॉलेजिएट का होगा वुमेन्स का तो इस पे आएगा, और आपको एडमिशन यूजी पीजी के लिए आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका अभी जो लोग भी जितने भी लड़कियां हैं जो कि दिल्ली NCR में रहती हैं और ग्रेजुएशन करना चाहती हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है, 10 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। CUET का जैसे यूजी का एडमिशन थ्रू CUET यूजी के टेस्ट के थ्रू हो रहा था, अभी टेस्ट तो चल ही रहा है, बहुत जगह कैंसिलेशन भी हुए एग्जाम का, फिर भी आगे पूरे अगस्त में एग्जाम होने के चांसेस है, तो यूजी का एडमिशन CUET समर्थ पे हो रहा है, पीजी का डेट सितंबर में ही आएगा 15 सितंबर के बाद, और वीमेंस के लिए अभी 10 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का अपडेट ये है, इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप लोग वेबसाइट पे अपडेट देखते रहिएगा। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।